गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और मैं सोचता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मैंने करा अपने घर के लिए, तो सारी तैयारी तो हो चुकी है, सब चीज़ की सेटिंग वगैरह मैंने कर दी है। तो अपन निकलते हैं अपने घर से, रात को तकरीबन 11 बजे की मेरी वॉल्वो है, तो जाना वॉल्वो में, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम था वो टाइम मुझे सूट नहीं करा था, क्योंकि शाम को मुझे था कोई काम। तो जहाँ देखा होगा अपने लास्ट व्लॉग में, मैं गया था चांदनी चौक, थोड़ा सामान वगैरह लेना था। तो चलो अब 1 घंटा रह गया वॉल्वो को, 40-45 मिनट्स में लेंगे पहुंचने में, तो निकलते हैं अपने घर से। चुका हूँ मैं ISBT कश्मीरी गेट। फर्स्ट टाइम है जो मैं पंजाब रोडवेज की वॉल्वो से जा रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा वालों का इस बार वेबसाइट ही नहीं काम कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से टफ डिसीजन लेके पंजाब रोडवेज की पहली बार सवारी करूँगा। चलो कोई बात नहीं, ठंड आज पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। चंडीगढ़ में सुनने में आया कि थोड़ी बारिश हो रही है आपके स्वागत में, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं वहाँ जाके कितनी ठंड लगती है। फिलहाल तो बैठते हैं वॉल्वो में। क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और रात को मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आ रहा था, पहले मेरी टिकट बुक थी पनबस में पंजाब रोडवेज़ की वॉल्वो में, 10:45 का स्लॉट था। वहाँ जाके पहुँचा मैंने, भाई ये कहाँ पर आएगी बस, उनके डिपार्टमेंट से कहते नहीं रात के स्लॉट तो हमने कैंसिल कर दिए काफ़ी दिनों से, आ नहीं रही बस, ये रिफ़ंड आ जाएगा आपको। वो इतने कैजुअल तरीके से बोले ना कि रिफ़ंड आ जाएगा, ये तो होता रहता है, बहुत लोग आते हैं रिफ़ंड आ जाता है, है ही नहीं, पता नहीं आप क्यों शो करता था। मैं कहा बेवकूफ़ हो गया तुम लोग, मैं तुम्हारा क्या ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि हाँ जी बस टिकटें लेते रहो, बस आ नहीं रही जी। ठीक है, वहाँ बहस वैस आई हुई, फिर हिमाचल रोडवेज की वॉल्वो पकड़ी, तो वापस आया हूँ। बहुत ज़्यादा थक गया, इस चक्कर में टेंशन हो गई थी एकदम से, पर ये तो होना ही था यार, जहाँ लोग फ्री की चीज़ें देख के अगर किसी सरकार को वोट डालेंगे ना तो ऐसे ही होगा, ये सरकार है जो फ्री का चीज़ देती है और कुछ नहीं करती, तो ये तो होना ही था, इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जहाँ सब भुगत रहे हैं वहाँ भी भुगत ही रहे हैं, दिल्ली में भी और पंजाब में भी बुरा हाल है, तो चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। अब ये गलियाँ ये चौबारा जहाँ हर बार आके अपन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई, पता नहीं हर बार जब भी मैं मोहाली आता हूँ सबसे पहले यहाँ ही क्यों आ जाता हूँ भाई। ठंड तो बहुत कम है यार, पंजाब वाले जब भी देखो ऐसे बोलते हैं, अरे दिल्ली से ज़्यादा ठंड है आज, ही घंटा दिल्ली से ज़्यादा ठंड है, यहाँ तो ठंड ही नहीं लग रही बिल्कुल भी, थोड़ा पार्क में टहल के आते हैं। आ गए हम उसी पार्क में अपने, जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। देखो कैसे पंजाब में आम लगकर लिखा हुआ है, ये चिट्टा मेडिकल नशे अफीम छड्डो, ये सेंटर कितने आम बन गए हैं क्योंकि नशे वाले ही बहुत हो गए हैं अब। पंजाब की धरती थी वॉरियर्स की धरती, इसको ख़राब करने का मतलब एक ही तरीका था, या तो मतलब यूथ को गलत तरफ ले जाओ, गलत तरफ काफ़ी ऑप्शन थे पर नशे की तरफ लेके जाना सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन था। तो पंजाब में नशा इंट्रोड्यूस करा गया और इतने बड़े स्तर पे करा गया कि अब जो दिल्ली में पहले आम आदमी का प्रोपेगेंडा था बाय वन गेट वन फ्री वो दारू की बोतल, अब वो पंजाब में कर दिया, दिल्ली में बंद कर दिया, क्योंकि पंजाब में जब नशे का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तभी तो वोट बैंक ज़्यादा होगा ना, तो ये इनका चलता है सारा अंदर मिली भगत, और तो थोड़ा सा आँख कान नाक मुंह खोल के ही वोट दिया करें, बहुत ज़रूरी होती है, एक एक वोट काउंट होती है। एक स्वादिष्ट सी मैगी बना दो यार, अब मैगी खा ले यार, खुद बना बना के तो अगे अब आपके हाथ के खाएंगे, और कल से आपको अलग अलग डिश की फरमाइशें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, परसों से करता थोड़ी है, परसों से तो परसों से आपको अलग अलग फरमाइशें आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप मैगी बना दो एक स्वादिष्ट सी तड़के वाली, क्या मस्त गर्मा गर्म मैगी पेश हुई है राजा साहब के सामने, तो इसको खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। आज का दिन था रेस्ट डे, तो आज का दिन कुछ करा नहीं जाता,
क्योंकि इतने दिनों बाद तो मेरी मायके में वापसी हुई है, अपने घर वापसी हुई है। तो कुछ था नहीं ज़्यादा करने को, तो आज तो बिल्कुल रेस्ट करा, अच्छा अच्छा खाया पिया, मौज करी आज तो भाई, फुल मौज करी। तो अब इस व्लॉग को करता हूँ यही एंड, और अगर आपके व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपके साथ भी ऐसा पंजाब रोडवेज वाला फ्रॉड हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू।